5 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं अपनी ट्रिप के लिए, और वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग की वॉइस अपने पता नहीं कैसे गायब हो गई है। स्टेशन पे हम लोग पहुँच चुके, हमारा सामान दिखाते हैं, यहाँ से हम अपना जर्नी का स्टार्ट कर रहे हैं। दीदी की दो फ्रेंड आना बाकी, वेट कर रहे हैं हम उनका। तो ये हमारा सामान, ये रेडी टू गो, दीदी बैठी है ये। तो आ गई है हम लोग की, बस एक दिन का वेट कर रहे हैं हम लोग। हाउ यू फीलिंग दीदी? हमारी ट्रेवलिंग स्टार्ट हो गई है, हमारा ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। कैसा फील कर रहे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है, सोचा था जाएगा, जा रहे हैं, ड्रीम कम ट्रू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर ट्रेन में बैठे हैं, हमारी कॉफी सॉरी चाय आ चुकी है, तो चाय पी के एंजॉय कर रहे हैं अपना रास्ता। चाय की क्वालिटी सही है, पहले लगा था वो पैकेट वाली है, पता नहीं कैसी होगी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छी है। हमारा लंच भी आ रहा है और यहाँ पर दिखाते हैं, ये लोग इस तरह से सब लोग बैठे हैं, चाय चल रही है। तो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी जलेबी और दही के साथ, ताकि हमारा सफर बहुत अच्छा जाए। मील आ चुका है और ये है ब्राउन ब्रेड, अच्छा ये है, कुछ इसमें बता नहीं गया है, ये है इसके अंदर, ये सब सैनिटाइजर का है, अच्छा ये सैनिटाइजर भी है इसके अंदर। तो अभी है हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम, अब हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। बज रहे हैं, कितना बज रहा है यार? 8 बज के कुछ मिनट हो गए, 8:15 बज के कुछ मिनट। तो आप हम लोग का हो चुका है ब्रेकफास्ट और मिल गई हमको, नहीं नहीं हो रहा है, तो हम लोग पी रहे हैं फ्रूटी, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी सर्विस है कि आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने को मिलता जा रहा है। तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम इस ट्रेन में सफर कर रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और बिंदास को सामान लाओ ना लाओ कोई टेंशन नहीं होती है। नाउ स्लीपिंग टाइम, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं हम लोग, नींद आ रही है बहुत, सुबह के जगे हुए हैं बहुत। मैं तो 3 बजे की उठी हुई हूँ, तो हमारा स्टॉप आ चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं, उतर रहे हैं यहाँ से, और डेली आ गया है हमारा स्टेशन। ओ दीदी दीदी रोको 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 रोको, उतरती हुई बोलू दीदी, निशा दीदी, हम लोग उतर रहे हैं, तो ये दीदी उतर रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं गेट के बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और उसके बाद मेरी भतीजी आएगी पूर्वी, उससे मिलेंगे हम लोग। तो हम लोग बाहर निकल के सामान वामान हम लोग ने अपना ऐसे रख लिया है, तो खड़े हुए हैं अभी हम लोग और इंतजार कर रहे हैं, पूर्वी अब तक आई नहीं है, उससे मिलने के बाद सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। खाना खा रहे हैं हम लोग, ये फ्राइड राइस, छोला, दही, चपाती। ये निशा दीदी हैं, ये मेरी दीदी है, ये गोलू दीदी हैं। तो अभी हम लोग खाएंगे अपना, आज हम लोग ढाबे में खा चुकी है ये। चलो भाई अब हमें कहीं अच्छी सी जगह लेके चल, यहाँ पे क्या खाएगी बता? कुछ खाऊंगी नहीं, मैं तो खाना खा के आई। क्या पिएगी? कुछ पी लो, चलो क्या पीना बता ना, पीना कुछ कुछ खा लो चलो। अरे तो सर बैठ जाते हैं, कहाँ बैठे बता, मैं ढूंढ रही हूँ जगह। ये ई रिक्शा में तैयार होते हुए कुड़िया। तो पूरे कैसा लग रहा है परिवार वालों से होम टाउन में ना मिलके? बहुत ही दिल्ली में बहुत ही उम्दा लग रहा है। हम हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में, ने है KFC, हम लोग जा रहे हैं KFC में, अब बैठेंगे वहीं पे थोड़ी देर। यहाँ पर सारी जनता हमारी आ रही है पीछे से, तो हम लोग आ चुके हैं KFC में, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पियेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अब कुछ पीने का ही मन है। तो छोटी बेचारी भाग दौड़ करती हुई आ गई, ये बैठी है पसीने बहा रही है, हम लोगों को मिल गई है। तो यहाँ पर हम लोग को नहीं मिली है कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है, इतनी गर्मी है। तो हम लोग पी रहे हैं, दो लोग लस्सी और चिकन जी पी रहे हैं, बाकी लोग वेरी हेल्थ कॉन्शियस पी गए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ चेक इन करने के लिए, एयरपोर्ट तो हम लोग पहुँच गए हैं, अब चेक इन करना है आगे जाके, और हम लोग हैं अंदर एयरपोर्ट में। देखिए कितना वक्त लगता है, यहाँ पर भी टाइम काफ़ी टाइम लगता है, 2 घंटे पहले आ गए हम लोग।
टैग निकल आएगा कि कितने बैग आपको लेके जाने हैं, तो ये स्क्रीन पे फीड करना पड़ता है। तो ये निकल आए हमारे, तो ये नंबर डाल रही है PANR नंबर, तो क्या यहाँ पे इस तरह से टिकट निकल आएगी आपकी। तो इस तरह से ये निकल के आ गया है ना, चलो बैग टैग नहीं था वो बोर्डिंग निकल के आया। हाँ हाँ मैंने गलत बोल दिया था, वो नहीं करेगा। चेक इन के बाद बैग ड्रॉप पे आ जाएंगे और इस तरह से सब लोग अपने बैग यहाँ पे स्कैनिंग के बाद ले जा रहे हैं, दिखाते हैं। तो ये जैसे कि दीदी ने अपना बैग रख दिया है, तो अंदर अब जा रहे हैं हम लोग, सब लोग पहुँच रहे हैं। हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इस तरह से निकालना पड़ता है, बैग खाली करना पड़ता है। तो ये जैसे कि इसमें हम अपना बैग का सारा सामान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये दीदी निकाल के अपना सामान रख रही है, चार्जर वगैरह 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 सब। अपना चेक इन कर चुके हैं और अपना इलेक्ट्रॉनिक का सारा आइटम दीदी का बोलने लगा था, क्योंकि उसके अंदर ड्रायर था, तो फिर उसका फिर से स्कैन होके आया है। तो अब चलते हैं। अब मुझे यकीन हो रहा है कि मैं श्रीनगर जा रही हूँ। अब मुझे भी यकीन हो रहा है। तो अब हम लोग अपना वेट कर रहे हैं, हम लोग को स्पेंड करनी है 2 आवर्स, और अभी हम लोग पियेंगे कॉफ़ी वगैरह और फिर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और अब हम लोगों को लग रहा है ये हम लोग ने किला पता कर लिया है। ये फाइनली हिप हिप हुर्रे, और बहुत से लोग प्रेरणा मिलेगी हमसे, बहुत से लोग बड़ा बड़ा मैसेज कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम इन एयरपोर्ट, और मेरा एक बहुत पहले का ड्रीम था कि मुझे फ्लाइट से ट्रेवल करना था, वो अभी पूरा हो रहा है, और एक श्रीनगर जाना था वो भी पूरा हो रहा है। तो दोनों जगह मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, और 2 डेस्टिनेशन प्लेस हैं मेरी, तो उनमें से एक ये डेस्टिनेशन प्लेस है जो कि ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस एंड थैंक्स टू यूनिवर्स हु प्लान ऑल दिस फॉर मी। तो ये हमारा प्लेन खड़ा है और इसी पे हम लोग जाएंगे। तो हमारा फ़ोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे, तो फ़ोटो सेशन के लिए सब लोग तैयार हैं। और इधर देखिए मैडम, और दूसरी वाली मैडम फिर कहेंगे आप आई नहीं। मैडम तो मैडम गेट कितने बजे खुलने वाला है मैडम? हाँ 10 मिनट में खुलेगा। तो निशा दीदी चाय नहीं पी रही है, हम लोग जा रहे हैं चाय लेने के लिए। पी लो दीदी चाय, कॉफ़ी पी लो। कॉफ़ी भी नहीं पी रही है। हम लोग कॉफ़ी तो पी लिए, लेकिन जब तक चाय ना पी लो तब तक मज़ा नहीं आते, हम लोग पीना चाह रहे हैं चाय। आराम से रख लो। तो राइट ना आया आई एम इन इंडिगो फ्लाइट, और फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, और यहाँ से आपको बाहर का सीन दिखा देती हूँ मैं। ये प्रिंस खड़े हैं, तो हैप्पी जर्नी टू मी एंड मीट यू इन श्रीनगर। आई एम सो हैप्पी, मेरा एक लाइफ का ड्रीम पूरा हो गया है। मेरी बहुत बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, तो मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, जैसे आप देख सकते हैं इंडिगो फ्लाइट में। तो आई एम वेरी हैप्पी, और कहते हैं कि अगर आप जो सोचो वो कभी ना कभी ज़रूर पूरा होता है। तो थैंक यू गॉड। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और आए हैं भैया हम लोगों को लेने के लिए, अब उनके साथ हम लोग जा रहे हैं। Later. जी हैं जो ज्ञान बांटेंगे। पेट खराब होता है तो क्या करें, और क्या सर्दी लगती है तो क्या करें, क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ बैठी है हमारी गोलू दी, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत तत्पर है। बोलो पूछो। हाँ पूछो पूछो।
तो यहाँ पर हम लोग ने खाना खाया जो कि बहुत ही यम्मी था। खाने में था फ्राइड दाल, एग करी और आलू गोभी मटर की सब्जी, राइस और क्या था, चपाती और कस्टर्ड। और बहुत मज़ा आया यहाँ पे हम लोगों को। कैसा लगा तुम लोगों को खाना? बड़ा मुँह ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे आके मौसम काफ़ी टेम्परेचर हो गया, काफ़ी ठंड है, एक एक जैकेट की ज़रूरत पड़ती है रात में, तो मौसम इस यहाँ का टेम्परेचर बहुत है। अब व्लॉग का नहीं मिलते हैं, फिर हम मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, से गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।